सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना अनु का बर्थडे की पार्टी है। बर्थडे तो उसका कल था, तो हम लोगों ने सोचा उसके बर्थडे की पार्टी रखते हैं, छोटी सी बर्थडे की पार्टी रखेंगे। अनु जाहिर हम ही लोग घर वाले होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मंदी। एक ये अरेबिक डिश है जो मटन से बनाई जाती है ज़्यादातर। आप चिकन से बना सकते हो, तो मैं बना रही हूँ मटन रान से, और बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी इंशाल्लाह सबको। तो चलिए बनाते हैं और आपके साथ ना पूरी वीडियो फुल इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको मंदी कैसे बनाती हूँ। चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, मंदी बनाने के लिए मैंने लिए रान। तो रान की मैंने बहुत अच्छे से पहले सफाई कर ली और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया। इसके बाद ना एक नाइफ़ लेंगे, और नाइफ लेने के बाद इसे अच्छे से फोक कर लेंगे। जैसे फोक से फोक करते हैं ना, वैसे मैंने नाइफ़ से किया है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए और ये बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाए। तो बस इसी तरीके से अच्छे से घुमा घुमा के कर लेंगे। और ये पूरी कुकर में नहीं आएगी, प्रेशर कुकर में। तो मैं इसका कट लगा रही थी, और मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से मैं इसका कट लगाऊं और ये मुझे अच्छे से मिल जाए इसको। और मैं बहुत देर तक परेशान रही। फिर मैंने आके सोचा कि इधर उधर मारती रहूँगी नाइफ़, और ये देखिए मुझे मिल गया है जॉइंट, और इसका जॉइंट अच्छे से खुल गया था। इधर ना एक प्रेशर कुकर मैंने बड़ा लिया है फ्रेंड्स, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसमें डाल दिए मैंने प्याज, तो प्याज भी तकरीबन दो ली है मैंने बड़े साइज़ की। तो इसे हल्का सा हम गोल्डन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो हल्का सा कलर हमारा चेंज हो गया है प्याज का, तो इसमें डाल देंगे दो हमने बड़े साइज़ के टमाटर भी लिए थे, तो इसे भी ऐड कर देंगे। और बस इसे अच्छा सा बस मैंने 2 से 3 मिनट तक बस पकाया है। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट हमने लिया, हरी मिर्च का पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। और फिर ना इसमें नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया बनती है रेसिपी, बहुत ही आसान। आसान तो नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी बढ़िया चीज़ आसानी से नहीं बनती है फ्रेंड्स। और ये मंदी मसाला है जिसमें मैंने सारे गर्म मसाले लिए हैं, ज़ीरा, सौंफ और सूखा खड़ा धनिया होता है ना, वो मैंने सारी चीज़ों मिला के पीसा है। और इसकी क्वांटिटी अगर आप चाहें, अगर रेसिपी और भी डिटेल से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। फिर इसमें क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमें इतना ऐड करना जितने में हमारी अच्छे से ये मटन की रान ना वो अच्छे से चली जाए। तो फ्रेंड्स, बस इसे रख रहे थे और ये जा नहीं रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, इसकी लेग ना बहुत ज़्यादा, बोन इसकी जो है ना वो बड़ी थी। तो क्या करेंगे, इसे काट के फिर रखेंगे, और क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा था, काटना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं नाइफ वाइफ का इंतज़ाम करूँगी, और इसके बाद इसकी हड्डी को ना वो काट दूँगी। हड्डी काटने के बाद इसे रखेंगे प्रेशर कुकर में, तो ये आ जाएगी। तो यही हुआ फ्रेंड्स, मैंने नीचे की बोन को थोड़ा सा काट दिया, और इस नाइफ़ से काटा है, वो छोटी वाली नाइफ़ से नहीं कट रहा था। और ये आराम से चली गई, इसे रख देते हैं पकने के लिए। और इसे पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए पकेगी फ्रेंड्स, और प्रेशर कुकर में 3 से 4 विसल आने तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे, और पूरे 2 घंटे लगेंगे पकने के लिए। इधर चावल भी हमने भिगा के फ्रेंड्स रख दिए हैं, अब इंतज़ार करते हैं 2 घंटे का। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए थे, मंदी हमारी पक के तैयार हो गई थी, और सॉरी मंदी नहीं, रान जो है ना गल के तैयार हो गई थी, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया। आप देख सकते हो हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं गोश्त से। तो मैंने नमक चेक किया, नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने सोचा इसी टाइम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि गोश्त में और अच्छे से नमक ऐड हो जाए। तो बस इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक तो देखिए अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चावल तक, जब तक चावल नहीं इसमें ऐड होते, तब तक आप इसमें नमक वमक हर चीज़ डाल सकते हैं। मिर्च इसमें कम क्वांटिटी में जाती है, तो हमने क्या करा है, मिर्च को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाला है, जैसे हमें चाहिए हो। इधर क्या करेंगे, एक पैन रखेंगे, इसमें ना ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो मैं काजू, बादाम और क्या है, किशमिश, हाँ किशमिश को फ्राई करेंगे। तो पहले 2 चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि किशमिश ना ऑयल में जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, जल जाती है, तो इसलिए मैं उसे ना बाद में फ्राई करूँगी, तो पहले ये करूँगी। और बस ये फ्राई कर ही रही थी, भूल गई मैं फ्रेंड्स, और जाके बातें करने लगी बाहर, और ये जल भी गए। जल क्या मतलब, बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गए थे डार्क कलर के। और बातें तो आप जानते हो ना, कि बातें करने में तो बस अगर इंसान बातों में लग गया, तो वो किचन का काम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तभी मैं किचन से हटती नहीं हूँ। मैं जब आई तो मैंने देखा वो जल गए थे, थोड़े थोड़े डार्क हो गए थे, तो मैंने फटाफट से निकालना शुरू कर दिया। और इसके बाद ना इसी ऑयल में ना किशमिश को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक ऑयल ले लिया, सॉरी मैं बता दूँ, मैंने घी लिया है, देसी घी है ये। और इसी में ना रान जो मैंने उधर जो बॉईल हो रही ना, उसको भी इसमें हम कर लेंगे।
ये मैंने इसलिए प्रेशर कुकर से निकाल के इसमें किया था। प्रेशर कुकर में ना स्टीम से ये गल रही थी और इसमें ये पानी से गल रही है, इसीलिए मैंने इस पैन में इसको किया और इसी पैन में मैं मंदी को तैयार भी करूँगी। तो ये ना रोस्ट करेंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे मैंने रोस्ट किया है इसको, ये भी दिखाते हैं। तो बस पानी में क्या करेंगे, चावल को ऐड कर देंगे। तो चावल हमारे 2 घंटे भीग गए थे, ये सेला चावल हमने लिया है, आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, और अगर दूसरा ले तो पानी अपने हिसाब से रखें फ्रेंड्स। अब हमें इसमें भी नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा हमने नमक इसमें भी ऐड कर दिया, चावलों में भी नमक होना चाहिए। और ये देखिए हमारी रान कितनी, हमारी नहीं मतलब बकरे की रान बहुत अच्छे से पक रही है, और इधर हमारे चावल बिल्कुल दम पे आ गए थे, तो हमने क्या करा, थोड़ा सा कलर इसमें येलो कलर ऐड कर दिया। इधर हमारी मंदी की चटनी तैयार हो रही है जो कि मंदी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स चटनी बनाने के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और टमाटर लिए हैं। टमाटरों को क्या करेंगे, रफली चॉप कर देंगे, ताकि ना मुझे दरदरी सी चाहिए बस चटनी। कैसी चाहिए, दरदरी सी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है मुझे, क्योंकि अगर बारीक पीस देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने दरदरी सी पीसी है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। तो बस एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे रख देते हैं साइड में। इसके बाद दूसरे प्रोसेस हैं, हमारी मंदी भी बनके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बनके तैयार हो गई है। तो इसे बस ना एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। और मैंने जो चावल है ना उसके दम लगाना है, और इसके ऊपर मैंने ये रान को रख दिया है, और बस स्मोकी फ्लेवर देंगे और हमारी मंदी बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बस मंदी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, और जब मंदी बनती है तो मैं इसी वाली थाली में निकालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। तो मम्मी तो मेरी यही कह रही थी कि ये मंदी के लिए बन गई है, मैंने कहा पता नहीं लेकिन अच्छी बहुत लगती है बस जब इसमें मंदी निकालते हैं। तो बस आज बहुत मज़ा आने वाला है, बस सब लोग खाएँगे, मस्ती करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो रान थी ना उसे साइड में कर लिया, पहले हमें राइस निकालना है। तो ऐसा क्या होता है कि मंदी को ऊपर मतलब रान को ऊपर रखना होता है, इसके बाद चावलों को निकालना होता है, ऐसा नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे पहले वो चावलों में ऐड कर दिए, इसके बाद ना रान को रखने के बाद भी हम इसमें इस तरीके से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट ना हमारे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छे भी लगते हैं, टेस्ट जब इसमें चावलों के साथ आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बताइए इसका लुक आपको कैसा लग रहा है, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत लजीज बनी है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है बहुत मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स सब लोग बैठ गए हैं, और अन्नू भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हैं क्योंकि इनके बर्थडे की छोटी सी पार्टी मैंने दी है, और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, बहुत मेहनत की चीज़ है जो मंदी है, और लेकिन खाने में तो वाकई बहुत अच्छी होती है। आप ऐसा है कि आप खाओगे तो आपको अच्छी लगेगी, आप एक बार सोचोगे कि हाँ हमारे घर में कोई आया है या कोई पार्टी वगैरह है तो हम एक बार बनाएं। तो ये देखिए ज़ाहिर की शरारतें नल्ली पूरी दिखा रहा है, इससे पहले भी ज़ाहिर ने एक बार और भी खाई थी हम लोग के साथ मंदी, तो भी नल्ली का गूदा निकालता रहा लेकिन उससे निकला नहीं क्योंकि वो टूटा नहीं था। तो बस अब हम लोग बैठेंगे और सब लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं भी आ गई थी और हम सभी लोग ने बैठ के मंदी को खाया, भैया को भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो खैर सब ने इन्जॉय करा और सबको बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली चटनी के साथ ना मंदी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है जो सऊदी में जैसे ही खाई जाती है, सऊदी अरब में जैसे भी खाई जाती है वो थोड़ी सी फीकी खाई जाती है, और हम लोग ना थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं। तो मैंने चटनी जो है ना थोड़ा स्पाइसी बनाई थी, और इसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक पी गई, वाह 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 वाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वाकई। अगर आप लोग मेरे पास होते सच में मैं आप लोग को ज़रूर खिलाती और कौन कौन लोग हैं जो मंदी खाना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कभी मंदी नहीं खाई है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।